आते हैं बहुत सारे लोग कि कुशवाहा के हम नेता कहे जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, और नए नए आए हैं शशि भूषण सिंह कुशवाहा और राकेश कुशवाहा, बहुत सारे कुशवाहा है, उपेंद्र कुशवाहा भी है। ये लोग कहते हैं कि अगर कुशवाहा के बेटा को कोई हाथ लगाएगा तो हम खून का कतरा कतरा बहा देंगे उसके लिए। और नमस्कार, प्रणाम, के राज। और आज से, जी हाँ, एक महीना नहीं हुआ है, 25-26 दिन हुआ है, 30 तारीख के सुबह में एक घटना को आप बारे में आप लोग को पता होगा, जो कि मुजफ्फरपुर जिला के तुर्की थाना के अंतर्गत हुआ था। गौरव कुशवाहा के व्यक्ति के नाम के को हत्या कर दिया गया था, और हत्या करने के बाद पेड़ पर लटका दिया गया था, और वो एक पत्रकार भी थे, एक यूट्यूबर भी थे। और उसके बाद आज के डेट में 25-26 दिन होने के बावजूद भी कानून उस पर अभी एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं की है। और आज हमें अभी हम आए हुए हैं गौरव कुशवाहा घर पे, तो कैमरामैन से कहेंगे पहले घर का स्थिति दिखाइएगा कि इस फैमिली का घर का स्थिति कैसा है। और ये एकदम मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं, और शायद इसीलिए इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, एक महीना होने के बावजूद भी। वही आप लोग को पता होगा कि एक नेता थे जो कि मुकेश सहनी कहे जाते हैं, उनका पिता का हत्या होता है तो मात्रम 2 दिन के अंदर आरोपी को पकड़ लिया जाता है। कहते हैं बहुत सारे लोग कि कुशवाहा के हम नेता कहे जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, और नए नए आए हैं शशि भूषण सिंह कुशवाहा और राकेश कुशवाहा, बहुत सारे कुशवाहा है, उपेंद्र कुशवाहा भी है। ये लोग कहते हैं कि अगर कुशवाहा के बेटा को कोई हाथ लगाएगा तो हम खून का कतरा कतरा बहा देंगे उसके लिए। और शायद एक कहनाम है, और सिर्फ इनका वोट लेने के लिए कहनाम है कि समाज के नाम पर सिर्फ हमको वोट मिले और बिहार में हम सत्ता पर बैठे रहे, और कुशवाहा के बेटा को इस तरीके से हत्या मर्डर होते रहे, इस पर सुनवाई नहीं हो। यहाँ पर एक महीना हो चुका है हत्या हुआ हुआ, यहाँ पर कोई भी नेता नहीं आया है, और ये फैमिली अपना से दौड़ धूप कर रहा है, रोज कभी कोर्ट में कभी थाना में जा रहा है, और एक महीना से जाने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये गरीब परिवार से आते हैं और शायद नेता लोग को ये चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर थोड़ा भी आपको शर्म होगा, थोड़ा भी आपको लिहाजा होगा कि समाज के लिए कुछ करते हैं, समाज के नाम पर आपका घर का रोटी चलता है, अगर थोड़ा भी शर्म होगा तो आइए इस परिवार से मिलिए, और इस परिवार से मिलकर इस परिवार को इंसाफ दिलाइए, तब आपको मानेंगे कि हाँ, आप कुशवाहा के नेता है और कुशवाहा समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, कि सिर्फ कहने के लिए आप लोग हैं। और आजकल के लड़के का, कुशवाहा के किसी भी बेटा का हत्या हो जाता है, और यहाँ एक महीना होने के बावजूद भी एक इंसाफ नहीं मिलता है, प्रशासन इनको धमकाया जाता है, क्योंकि ये गरीब परिवार से आते हैं, ये इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते हैं, शायद इनको पता नहीं है, और इनके पास शायद उतना पैसा नहीं है कि ऊपर जाके और कार्रवाई करवाए और इन पर जल्दी इंसाफ हो। और कुछ लोग हैं जो कि यहाँ के थाना अधिकारी हैं, जो कि इन लोग को ही आते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, और एक महीना होने के बावजूद भी घर के किसी भी सदस्य से आके ये नहीं बोले हैं कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं, जल्द से जल्द आरोपी पकड़ा जाएगा, बल्कि इनको ही डराया धमकाया जाता है। आप लोग का क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को दबा के शेयर कीजिए ताकि सरकार तक पहुँचे और सरकार भी देखे कि यहाँ के पुलिस प्रशासन किस तरीके से गुंडागर्दी करती है। जय हिंद।